नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मित्रों, जो आज मैं आपके लिए परी का अमल लेकर आया हूँ, इस अमल में आपको किसी भी प्रकार की परहेज नहीं करनी है और आप मंत्र से ही परी की प्राप्ति कर सकते हैं, परी की हाजिरी प्राप्त कर सकते हैं। बेहद आसान अमल है, बेहद आसान साधना है आज का, तो इस साधना को एक बार जरूर करना। अग्नि में देख कर सिर्फ आपको मंत्र का प्रयोग करना है, परी अग्नि से तुरंत प्रकट होगी और आपकी जो भी समस्या होगी हर समस्या को दूर करेगी। परी जायज ना जायज सब काम करेगी, परी से डरने की कोई बात नहीं। अमल से भी मत डरना, अमल अवश्य करना। अमल रात का अमल है, रात में हम बता देंगे कि कब करना है, कैसे करना है, इसका मंत्र क्या है, विधि क्या है। अगर सच में आप परी की हाजिरी चाहते हैं, अपनी कर्ज दूर कराना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना। ज़रा सा भी वीडियो स्किप करके देखेंगे, कोई मंत्र या विधि अगर आपसे छूट जाती है तो परी की हाजिरी में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, इस अमल को करने से पहले आपको इस अमल का इजाज़त लेना लाजिमी है। इजाज़त के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे तरफ से आपको अमल करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो आप अमल करना तो आपको तुरंत कामयाबी मिल जाएगी। तो मित्रों, चलिए बिना देर के साधना की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, बात कर ले इस अमल को किस दिन करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका मंत्र क्या है, विधि क्या है, कौन कौन कर सकता है, किस दिन करें। मित्रों, इस अमल को करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे से नहा धो लेनी है, सफ़ेद लिबास पहन लेना है और बदन पे खुशबूदार इत्र छिड़क देनी है। उसके बाद मित्रों, आपको अमल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अमल रात का अमल है, हालांकि इस अमल को कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन दिन में करोगे अगर परी की हाजिरी प्राप्त भी आपको हो जाए ना, तो परी दिन में आपको नहीं दिखेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अमल को रात में ही करना। रात में कभी भी इस अमल को शुरू कर सकते हो, किसी भी दिन शुरू कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अग्नि का प्रबंध करना है, आग जलाना है, और आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए उस अग्नि में घी डालना है और खुशबूदार इत्र छिड़कना है। बस मित्रों, आपको इतना ही काम करना है और आप आके अपने कमरे में सो जाएं, लाइट बंद करके सो जाएं। मित्रों, जब परी की हाजिरी आपके कमरे में होगी, आपकी कमरे की लाइट, कमरे की बल्ब ऑटोमेटिक जलने लगेगी, तो आप समझ जाना कि परी की हाजिरी हमारे कमरे में हो चुकी है, हमारे पास हो चुकी है। आपको तुरंत जगना है, परी को सलाम नमस्ते करना है, जो भी आप करना चाहें, और परी को वचनबद्ध कर ले। निशानी के तौर पे आप कुछ मांग ले, ताकि आगे भी आप कभी जीवन में अगर बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। हालांकि परी आपका साथ जीवन भर के लिए देगी, तो इस अमल को एक बार जरूर करना। अमल करने से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बेहद आसान अमल है। इतना आसान अमल आज तक कोई बताता ही नहीं है, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको अमल दिया जाता है। चलिए मित्रों, हम चलते हैं, मिलते हैं आसान साधना के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल। मित्रों,